नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के खास कवरेज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। अयोध्या सरयू राम भक्त और हर हिंदू को जिस शुभ घड़ी का सदियों से इंतजार था वो इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ दिन के बाद एक बार फिर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होगी, सरयू प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करेगी। इस इंतजार की सबसे खास बात यह है कि इस बार कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, इसे कुछ यूं कह सकते हैं भाईचारे का सबसे बड़ा सम्मान अयोध्या का राम जन्म था। मंदिर निर्माण से जितना खुश हिंदू है और उतना ही खुश मुस्लिम समाज भी है। झारखंड के गौ भक्त और राम कथावाचक मुस्लिम संत मोहम्मद फैज खान 800 किलोमीटर की पदयात्रा कर रामलला के ननिहाल से भूमि पूजन के लिए माटी ला रहे हैं, तो हिंदू संत पूजन के लिए परंपरागत विधियां शुरू करके बाकी के तीर्थ स्थानों पर लेकर के जाया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान एक होकर अब जय श्री राम का नारा लगा रहा है। अयोध्या में नए मंदिर निर्माण के लिए एक तरफ पत्थरों की तराशी का काम जारी है तो दूसरी तरफ उसके डिजाइन में फेरबदल को जमीन पर उतारने के लिए इंजीनियर्स की टीम तैनात है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी अपनी टीम के साथ अयोध्या में मौजूद है। मंदिर के हर पत्थर पर जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है और सरयू अपने प्रभु के इंतजार में पलके बिछाए बैठी है। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी खुद रामलला के दरबार पहुंचे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचते ही राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा की और भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को नए आसन पर विराजमान कराया। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के साथ राम जन्मभूमि का निरीक्षण कर मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ सारी जानकारी भी ली है। इसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की आरती की और साधु संतों से मुलाकात भी की। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने कहा कि 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुभ मुहूर्त में शामिल। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में प्रसिद्ध देव 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं। ये तैयारी इस रूप में और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम आप 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना है। हम करेंगे, अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या। कार सेवकपुरम में सीएम योगी ने साधु संतों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने अयोध्या का गौरव लौटाने का बड़ा अवसर है। 500 सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि अयोध्या में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है, लेकिन हमें इस कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना अवश्य होगा। आज उस शुभ मुहूर्त के लिए हम सब
एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या छोटा, क्या बड़ा, जाति, मत, संप्रदाय, सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। और जब वह शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है अयोध्या में, उस प्रकार का माहौल देना, वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, फंसते हुए दिखाई दे, लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है। आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार करती है। आपने देखा होगा पिछले इससे पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त। अयोध्या में सरयू नदी खुश है, झूम रही है, क्योंकि सदियों बाद फिर श्री राम के मंदिर की स्थापना उसके किनारे उसी अयोध्या नगरी में होने वाली है, जहां वो उनके पैर पखारने के लिए लंबे समय से इंतजार में है। सरयू किनारे से हमारे संवाददाता अबू बशर की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या का हर अध्याय सरयू मैया ने देखा है। त्रेता युग में भगवान राम का वनवास देखा है, उसके बाद उनका राज दरबार देखा है, और फिर उस विवाद को भी देखा, और विवाद के साथ साथ अयोध्या को कचेरी और कोर्ट के चक्कर लगाते भी देखा। लेकिन अब सरयू मैया अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनते हुए देख रही है, और शायद इसीलिए ये सरयू का किनारा देखिए और सरयू मैया की ये धारा देखिए। सरयू मैया किस तरीके से आज मुस्कुरा रही है, लगता है कि सरयू मैया जिस तरीके से हिलोरे मार रही है उसे लगता है कि सरयू माँ कुछ कहना चाहती है। आज वो जो दृश्य है सरयू तट के किनारे, उससे साफ है कि सरयू माँ बेहद खुश है, और जो सारी चीजें आज तक उन्होंने देखी है अब जाके उनको सुकून मिला है। तो क्या कहती है सरयू मैया आपकी बातों से अगर मैं जानना चाहूँ। अरे बोले ला धरती, बोले है अंबर, बोले पवन भगवान श्री राम करोड़ों राम भक्तों के दिलों में बसते हैं, उनकी आस्था है, उनके दिल की धड़कन है, और जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो ऐसे में वो मंदिर बनाने के लिए, नींव रखने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसा स्वागत करेंगे आप इसको भी हम लोग बाकी ही बताएंगे। गुरु चोला एक बार बोलेंगे जय जय श्री राम। अरे राम जी का मंदिर बन रहा, राम जी का मंदिर हाथों मंदिर का शिलान्यास चाहिए। समृद्धि पाठक को सुनाना चाहती है, क्या सुनाना चाहती है समृद्धि? मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का। जी मैं राम जी के मंदिर, राम जी का भजन सुनाना चाहूंगी आप सबको। राम नाम
सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, घाट घाट में जो रम रहा उसको राम पहचान। काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे काहे को डरे, काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बिल्कुल, राम जी बेड़ा पार करेंगे और राम जी ने बेड़ा पार किया भी है अब तक, और इसीलिए जब मैं आज सरयू तट के किनारे बैठा हूँ तो पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। ये गुप्तहरि भगवान का मंदिर है, भगवान श्री राम कहा जाता है इसी सरयू तट के किनारे, यहीं पर गुप्त हुए थे, उन्होंने यहीं पर जल समाधि ली थी। बेहद पवित्र स्थान है, सरयू तट के किनारे बसा है ये, और सरयू तट के किनारे ही भगवान श्री राम की ये अयोध्या नगरी भी है। सरयू की बहती हुई कलकल धारा है और इस बीच पूरी अयोध्या जिस तरीके से राममय है। महाराज जी, जैसे कुछ लोग कहते थे कि वो तारीख कब आएगी, तारीख कब बताएंगे, अब जब तारीख आ गई तो विवाद खड़ा कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है, और अब कोर्ट में भी इस मामले को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद से भी हमेशा अयोध्या का नाता रहा है। विवाद करने वाले विवाद करते रहेंगे और इनके विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की जनता जागृत हो चुकी है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं, सब में एकता का वो प्रभाव है जिसको आज पूरे विश्व में देख चुका है। जिस तरह फैसला आने के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिमों ने जो एकता दिखाई, मुझे लग रहा है ये उन विरोधियों का सबसे बड़ा जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है कि वो कब पहुंचते हैं अयोध्या, और यहाँ पर पहुंचकर भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखते हैं। मैं अबुल बशर खान, कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ इंडिया न्यूज अयोध्या। राम मंदिर के पुराने और नए मॉडल में कितना फर्क है, अयोध्या से बता रही हैं मेरी सहयोगी शुभ्रा शुभन। इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या के कारसेवकपुरम में, और ये जगह उस बात का गवाह है कि राम मंदिर के लिए एक लंबा इंतजार हुआ है। राम मंदिर की आस्था का ये प्रतीक है, VHP का ये अहम केंद्र है, और इस जगह ने, आपको बताते चलें, इतिहास के एक लंबे दौर को देखा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रारूप मॉडल दर्शन, इस परिसर के अंदर जो मॉडल है वो VHP की ओर से प्रस्तावित मॉडल है, और तमाम लोगों का ये सपना रहा है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, उनका ये सपना रहा है कि ये मंदिर एक दिन बने, और अब वो घड़ी चुकी आ गई है जब राम मंदिर बनने वाला है। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये मॉडल जो आपके सामने दिख रहा है सफ़ेद रंग का, वो किस तरह का है, और जो मौजूदा स्वरूप तय हुआ है राम मंदिर का वो किस तरह का है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, दो मंजिलें आपको इस मंदिर में दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मौजूदा जो स्वरूप तय हुआ है उसमें तीन मंजिलें होंगी, यानी कि ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। अब जो ऊंचाई है वो 161 फीट की होने वाली है। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिए कि इस मॉडल में आपको दो गुंबद दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप तय हुआ है उसमें 5 गुंबद बनेंगे। ये इस बात को स्वीकृति अब मिल गई है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और 5 तारीख को भूमि पूजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी यात्रा जिस तरह की रही है उसका एक प्रमुख गवाह ये केंद्र रहा है, क्योंकि ये VHP का
प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर बैठकें तमाम होती रहती हैं और 90 के दशक से कई हलचल इस केंद्र ने देखी है, कई खट्टी मीठी यादें हैं इसके साथ ही, कई ऐसे पड़ाव रहे हैं सियासत जिनके साथ साथ चली है, लेकिन इन सब के बीच ये जगह उस इंतज़ार का भी प्रतीक है, उस इंतज़ार का भी गवाह है जो राम भक्तों ने लंबे वक्त से किया है। उनका ये कहना है कि ये इंतज़ार बस अब ख़त्म हो गया चुकी, इसीलिए उनके उल्लास की कोई सीमा नहीं है, उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, और चूंकि अब ये मॉडल जो आप सामने देख रहे हैं वो सजीव रूप में आने वाला है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, ये प्रक्रिया कुछ सालों तक चलेगी और उसके बाद जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो आप समझिए कि ये दिन जब याद किए जाएंगे, ये जगहें जब याद की जाएंगी, ये पड़ाव जब याद किए जाएंगे तो इनका कितना गहरा महत्व होगा देश के इतिहास के संदर्भ में, देश के धार्मिक विरासत, देश की सांस्कृतिक विरासत और इसके साथ ही देश की सियासत। आप अशोक सिंघल की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आप जानते हैं राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा, VHP के अध्यक्ष, लंबे समय तक, लंबे वक्त तक कई तरह के विवादों से वास्ता पड़ा, लेकिन आज आप समझिए कि VHP के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ये घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। राम मंदिर के लिए कार्यशाला में किस तरह का काम चल रहा है, अब आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं वो अयोध्या का राम सेवकपुरम है। ये जो स्थान है अब इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, आपको मालूम है। और ये वो स्थान है जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से लाए गए चट्टान, जो शिलाएं हैं, वो रखी जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर खास तौर से राजस्थान के बयाना से ये जो चट्टान, ये जो शिलाएं लाई गई हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। 90 के दशक में टनों टन जो चट्टाने हैं वो ट्रक में भर करके यहाँ पर लाई गई और तब से इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर राम कार्यशाला है। ये चट्टान वहाँ पर ले जाए जाते हैं और उन्हें तराशने का काम होता है। ये पत्थर से काटे हुए चट्टान, ये शिलाएं, इसे ले जाया जाता है कार्यशाला तक और वहाँ पर इन्हें तराशने का काम होता है। साफ सफाई करने के बाद इन्हें अलग अलग आकार दिए जाते हैं। यही चट्टाने जो हैं, यही शिलाएं जो हैं वो दीवारों में, छतों पर और इसी से स्तंभ बनते हैं। तो जो पूरे मंदिर का निर्माण कार्य होने वाला है वो इन्हीं चट्टानों के जरिए होगा। तराशने के बाद इन पे खास तरह से पेंट चढ़ाया जाता है, नक्काशी की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक जो देवी देवताओं की आकृतियां हैं वो इन्हीं चट्टानों पर उकेरी जाती हैं और इसके साथ ही कई चौपाइयां भी मानस की लिखी जाएंगी इन चट्टानों पर, ये भी बात आ रही है। लेकिन ये जगह आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसे दूर दूर तक नज़र भर के आप देखिए क्योंकि ये एक इतिहास है और ये इतिहास अब जो भविष्य है भारत का वो बदलने जा रहा है क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, शिलान्यास उसी दिन होने वाला है। और फिर ये जो तमाम जगहें हैं जो मैं इंडिया न्यूज़ के कैमरे की नज़र से आप तक पहुंचा रही हूं वो जगहें उसके बाद एक इतिहास में तब्दील हो जाएंगी, ऐतिहासिक स्थल हैं ये तमाम जिनका महत्व और बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन है वो एक मकाम तक अब पहुंचने जा रहा है, राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है जिसके साक्षी आप बनेंगे, हम सब बनेंगे, हर एक भारतवासी बनेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। राम मंदिर के लिए 1992 से लेकर के अब तक अलग अलग इलाकों से लोग ईंटें भेजते रहते थे, हर ईंट पर जय श्री राम लिखा होता है। देखिए हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन की खास रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण का ये जो इंतज़ार है वो कितना लंबा है इसकी गवाह ये दीवार है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। ये दीवार ख़ास तौर से बनाई गई है लेकिन ये आम दीवार नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक डिटेलिंग कि किस तरीके से
किन ईंटों से ये दीवार बनाई गई है। दरअसल जिस जमाने में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ उस जमाने में देश भर के लोग जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं उन्होंने ईंटें भिजवानी शुरू की और वो ईंटें जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है और भी कई तरह के संदेश लिखे हुए हैं वो इस बात का प्रतीक रही कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। एक लंबी प्रक्रिया चली आपको मालूम है लेकिन इस बीच ये दीवार इस बात का गवाह है कि लोगों ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्हें ये विश्वास था कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मंदिर एक दिन बनेगा। और आप अगर ध्यान से देखिएगा अलग अलग ईंटों पर जो संदेश लिखे हुए हैं वो भाषाएं भी कई तरह की आपको नज़र आएंगी। हिंदी में तो लिखा ही हुआ है इसके साथ ही दक्षिण भारत की भाषाओं में ईंटों पर संदेश उकेरा हुआ है और वो भी संदेश वही है श्री राम या जय श्री राम इस तरह के शब्द आपको नज़र आ जाएंगे इन ईंटों पर। और ये ख़ास तौर से संभाल कर रखी गई हैं ईंटें, ये ख़ास तौर से इस तरह आप देख रहे हैं दीवार की शक्ल में इन्हें सहेजा गया है ताकि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो तो ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी और इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। तो और ये इस बात का प्रतीक होगा कि कितना लंबा इंतज़ार किया है इस देश के एक तबके ने, पूरे देश ने आकर कह लें, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके हृदय में हैं ये हम जानते हैं। और मतभेद तमाम हो सकते हैं लेकिन एक बात से तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि राम के वंशज इस देश के लोग हैं, वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखते हों। और इसीलिए इन ईंटों में विविधता जो है वो दिखाई दे रही है। और आप कल्पना कीजिए कि जब ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी राम मंदिर जन्मभूमि पर और इनका इस्तेमाल मंदिर बनने में होगा तो वो कितना खूबसूरत और कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। राम मंदिर बनने के साथ साथ पूरे अयोध्या का भी कायाकल्प किया जा रहा है। पूरा अयोध्या राममय बनने की तैयारी पर जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन से हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन की खास रिपोर्ट। कहते हैं अयोध्या में सब कुछ राममय है और उतना ही राममय है यहाँ का रेलवे स्टेशन ही भी। इस वक्त मैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ी हूँ। आप देखिए मेरे पीछे रेलवे स्टेशन में जैसे ही कोई दाखिल होता है सबसे पहले उसे प्रभु राम के दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 5 तारीख को और इसीलिए यहाँ पर काम भी चल रहा है और ठीक तरीके से सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँ इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो काफ़ी सतर्क हैं और काम में तेज़ी ला दी गई है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ से आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ये मौजूदा स्टेशन है लेकिन इससे बड़ा, इससे भव्य और एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस स्टेशन के ठीक बगल में अगर आप उधर निगाह डालें तो वहाँ पर काम चल रहा है, ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है कि 1 लाख यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन में होगी और इसके साथ ही 181 करोड़ की लागत से ये रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि तमाम जो तकनीक हैं, जो सुविधाएँ हैं उससे लैस ये रेलवे स्टेशन होगा और ख़ास तौर से आप ये देखिएगा कि इसे अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है जिसका इंतज़ार तमाम लोगों को होगा, तमाम राम भक्तों को होगा। लक्ष्य यही है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में दाखिल हों वैसे ही उन्हें राम का नाम याद आए, वैसे ही उन्हें अयोध्या में जो भावनाएं प्रकट होती हैं उनकी अनुभूति हो और इसीलिए ठीक राम मंदिर के मॉडल पर उसी तरह के स्तंभ, उसी तरह की दीवारें, उसी तरह की जो सीलिंग है, तमाम जो स्ट्रक्चर है वो राम मंदिर के जैसा ही होगा इस रेलवे स्टेशन में। इंतज़ार है कि इस साल के अंत तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।